हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नमक खाने से क्या नुकसान होता है। नमक खाने के नुकसान ज़्यादातर सभी व्यक्ति जानते हैं, परंतु कुछ नहीं भी जानते। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें। यह नुकसान आपको बताने से पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नमक के सेवन से क्या नुकसान होता है। नमक का सेवन मात्र थोड़ा सा, जरा सा, इतने हमें एक दिन में सिर्फ इतना सा नमक का सेवन करना चाहिए, यानी कि 1 से 2 ग्राम के प्रति। बस ज़्यादा नमक का सेवन बहुत ही ज़्यादा हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। कैल्शियम जितना भी हमारे शरीर में होता है वो यूरिन के जरिए यह बाहर निकाल देता है। आप जितना ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे तो उतना ही आपकी हड्डियों को इसका नुकसान होता है। हड्डियों में से कैल्शियम खत्म हो जाता है और जिसकी वजह से घुटनों में दर्द, बाजू में दर्द, टांगों में दर्द, ये दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले आपको नमक का सेवन करना छोड़ना होगा। नमक का सेवन बहुत ही कम करना होगा आपको। अगर आपको ज़्यादा ही जरूरी है नमक का सेवन करना, तो आप सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल करें और वो भी मात्र चुटके के बराबर। दूसरा नमक आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। यह नमक हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। शरीर का बिल्कुल सारा कैल्शियम यूरिन के जरिए ही बाहर निकाल देता है। तो हड्डियाँ इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो थोड़े थोड़े टाइम में ही धीरे धीरे भुर जाती हैं। उनमें वो जान नहीं रहती जो हमारे शरीर में जान होनी चाहिए। हड्डियाँ मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको ये कार्य करना है कि नमक का सेवन कम से कम करें। स्पाइसी खाना छोड़कर सिर्फ नाम मात्र नमक का ही प्रयोग करें। तो मेदवाधि की जानकारी आपको समझ आ गई कि आपने नमक का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करना है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।